हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। आज गाइस हम लोग गए थे सदर मार्केट, गए थे सामान लेने। ये देखो आरती मैडम सारे सामान को लगा रही है, प्लास्टिक का सारा सामान लेके आई है आरती। और आरती के साथ मैं भी थी गाइस। बाप रे बाप, मेरा तो बहुत बुरा हालत हो गया गाइस। मेरे घुटने, मेरे कमर स्कूटी पे लेके आई हूँ गाइस। ये भगवान, पूछो मत, हालत खराब होगी बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ गाइस, बहुत ट्रैफिक थी आज तो कुछ ज़्यादा ही था गाइस, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 26 जनवरी का ना इंडिया गेट के पास तो काफ़ी पब्लिक, पुलिस वाले भी जाने आने नहीं दे रहे। और गाइस क्या बताओ, इतना थक गई हूँ। तो आने के बाद आरती ने थोड़ा सा हाथ पैर का मसाज करिए, जो मैं उठ के बैठी हूँ, नहाई हूँ। और गाइस बड़ा बुरा हाल हो गया था, बाप रे बाप, बहुत भीड़, बहुत पब्लिक। ये प्लास्टिक का सामान लेके आए आरती ने, जो कुछ लेके जाना आप लोगों को, आ जाना हमारे दुकान पे। कैसे देगी आरती? फ्री में हाँ, जो मेरी वीडियो लाइक करेगा, प्यारे प्यारे कमेंट करेगा, उसे फ्री में दूंगी। अगर नहीं करेगा तो ऐसे कुछ नहीं दूंगी। अरे थोड़ा बहुत अच्छे से चीज़ आपकी लेके आई है आपकी। जैसे देखो ये है बच्चों का पानी का बॉटल, और ये लंच बॉक्स, ये जेमेट्री, ये लंच, ये छोटे सा टेबल है गाइस। ये देखो बच्चों को बैठने के लिए है ना, ये लंच, ये चिमटी है, ये है साबुनदानी छोटा सा। ये देखो ये सब चीज़ ले लेके आई है आपकी। काफ़ी लोग मांगते थे गाइस यहाँ पे ना, इसीलिए आरती बोली मम्मी थोड़े थोड़े ये सब सामान ले आते हैं। ये मग्गा देखो गाइस, आप लोगों को चाहिए तो फटाफट आ जाना इस एड्रेस पे। इसमें से आरती दो मग्गा निकालना पड़ेगा आपको। और गाइस हमने 26 जनवरी को भी ये भी लेके आए, हम लोग काफ़ी सामान लेके आए गाइस, काफ़ी सामान लेके आए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही हैं ना। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ आपको, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, तो ये तो बिक नहीं रहे हैं, बहुत कम बिक रहे हैं। प्लास्टिक का सामान बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं गाइस। तो ये देखो सारा कुछ फैला हुआ है। अभी आरती सारे जचा रही है, ये देखो दिखाती हूँ। ये देखो मैं तो थक गई थी गाइस, थोड़ा देर लिए मैं आराम से ये बाल्टी वाल्टी लेके आई। ये देखो ये छोटा सा बाइक पर है, ये देखो है ना, ये बच्चों की देखो रिंग्स वगैरह बहुत कुछ लेके आई है आपकी। मैं क्या दिखाऊँ आपको, ये रूही के लिए बॉटल लेके आई हूँ, स्कूल जाती है ना, उसको शर्म नहीं है गाइस। सुबह उठा के गए थे, फिर भी ये लड़की घर में एक काम करके नहीं गई है। देखो साबुन गाइस, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? हम तो मुर्गा बोलते हैं इसको, हम भी बोलते थे इसको लेटरिन साफ करने वाला बुरुस। दुकान वाले ने बोला टॉयलेट ब्रश, हाँ, और दुकान वाले बोला मुर्गा दे दो इसको। हम तो घबरा गए, हम सोचे कि अरे ये मुर्गा किसको बोल रहा है, हम सोच रहे गाइस हमें ही मुर्गा बोल रहा है। मैं तो उसको तोड़ देती। आरती गुस्सा भी हो गई कि भैया मुर्गा किसको बोल रहा है। ये गाइस ये देखो लाइटर लेके आए, और ये साबुनदानी, बाकी गाइस यही है छोटे मोटे सामान, छोटे मोटे कर करके तो बहुत सारे सामान आ गया गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी जचा रही है आरती, हम आपको दिखाते हैं। और गाइस ये देखो, अभी दिखाती हूँ आपको और सामान। ये गाइस सूट वूट का गले में जो नहीं बना बनाया गला बनता है जो, वो है ये देखो, इसको हम 10-10 रुपए पीस बेचेंगे। ये देखो ये भी कटिंग, पान का पत्ता कटिंग, ये गोल गले का, बहुत लेडी जाती है मांगने के लिए, आरती सारे चुन चुन के लाई है। और गाइस ये देखो दुकान में भी गंदे हो रहे हैं सारे माल, शीशा लगवानी है गाइस, थोड़ा शीशा वगैरह लग जाएगा तो थोड़ा साफ हो जाएगा। ये दुकान में सारे मिट्टी भरे पड़े, कितना करेगी आरती गाइस, जो भी तो बच्ची है थक जाती है। हम लोग भी गाइस बहुत परेशान हैं, देखो सारे माल में ना, सब में गाइस सब में धूल मिट्टी घुस जाता है, इतना बड़ा तो दुकान तो काफ़ी बड़ा है गाइस, पड़ी है ना, शीशा लगवानी पड़ेगी ना। शीशा लगाने के बाद गाइस बिल्कुल सारा सामान सेफ हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाएगा, तो शीशा भी लगवाएंगे। अभी तो आरती ने छुपा के रख रखी थी, आरती कुछ पैसे काम हम करती है गाइस, तो जैसे अपना दुकान का ही पैसे थोड़ी बहुत छुपा लेती है,
फिर इकट्ठा निकाल के देती कि मम्मी चलो सामान ले आते हैं दुकान के लिए। तो आज आरती ने दी थी मुझे 6-7 हज़ार रुपये निकाल के दी थी गए, तो हमने सामान लेके आए। ये देखो कितने प्यारे प्यारे चूड़ी, कलर दिखाती हैं आपको। हम तो सोच रहे थे नहीं बनाए वीडियो, पर सोचे कि गए चलो आप लोगों को दिखा ही देते हैं ना। ये देखो है ना प्यारे कलर, ऐसे ऐसे मांगती है गाइज। तो आरती बोली मम्मी आरती जाती है गाइज तो अपने पसंद से वो ले लेके आती है। ये कितना थक गई ना गाइज, मेरे तो बस की भी नहीं है, जहाँ बैठ रही हूँ गाइज उधर ही बैठ जा रही है। देखो इतनी दूर से गाइज स्कूटी चलाना मामूली बात थोड़ी ना है। ये बताओ अपनी हालत खराब हो गई थी मेरी आरती, ये बेटा ढक्कन सारा भीगा हुआ है इसका, इसको ढक्कन निकाल कर सुखाओ। ये सारे ढक्कन सूखने दो, बहुत सारे भीगा हुआ है ढक्कन। ये गाइस ये देखो, ये बच्चों वैसले बच्चे वगैरह आते ना वैसलेट मांगते हैं। ये देखो ये देखो, तो गाइस ये आप बताना चूड़ी के कलर कैसी लगी आप लोगों को। आरती की पसंद की चूड़ी है ये, सारे प्यारे लग रहे हैं, कलर सही लग रहा है ना। तो ये सब लेके आइए, काफ़ी सामान लेके आइए भाई, ये सूख जाएगा ना। तो आरती अपना धीरे धीरे जचा आ रही है बेटी, मेरे हाथ हाथ में भी दर्द हो रहा था गाइस, जिससे मेरे तो पूछो ही मत, मेरे तो पड़ गई थी आके, बेहोशी हो गई थी गाइस। थोड़ा हाथ पर दवाई है, जब जाके मैं उठी हूँ गाइस, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है गाइस बहुत ज़्यादा। मेरे बस की नहीं है स्कूटी चला के सदर से सामान लाना गाइस, पर क्या करूँ, बेटा छोटा है, कैसे आएगा सामान, कैसे माल आएगी, कैसे घर चलेगा, ये बताओ आप लोग। तो सब कुछ देखना पड़ता है ना गाइस, क्या करूँ। ये देखो वैसे हमने ऐसा ब्रेसलेट लेके आया इसका, 26 जनवरी वाला ब्रेसलेट, और दिखाओ गाइस, और दिखाऊँ आपको। ये देखो ये हमने जूना लाए गए, ये देखो अब तो ज़्यादा मुँह से आवाज़ भी निकल रही है, जूना है ये। और चलो दिखाते हैं आरती क्या कर रही है। अभी सारा सामान गए जचाई बेचारी जचाई रही है। ये देखो आरती कहाँ लगाओगे गए इसका, बताना कैसा लग रहा है। अभी हमने ना स्टेशनरी का सामान नहीं भरा, फिलहाल यही भर लिया। अब हम देखते हैं गाइस, अगर हमारे पास बहुत खाली खाली लग रही थी गाइस दुकान, इसलिए हमने भर ली। धीरे धीरे जैसे भरेंगे ना सामान वैसे ही बिकता रहेगा ना। एक मम्मी मेरा गले में ना लॉक लगवाओ, रोज रोज चोरी होगी ना, यहाँ बरकत नहीं होगी दुकान में, ठीक है ना गाइस। रूही बहुत बहुत काम, एक एक रूप कोई सामान लेने भी आता ना गाइस, पता भी नहीं पड़ता। और बोलती है कोई कस्टमर आया नहीं, कस्टमर आते हैं सामान लेने, ऐसा नहीं है, दुकान है तो आएंगे ही। पार्लर में तो और कॉस्मेटिक का सामान तो बिकता ही, चाहे कहीं रख लो, कितनी भी अच्छी कॉलोनी में रख लो, कितनी बुरी कॉलोनी में रख लो। और ये क्या करती है, कोई भी आएगा हम करोगे खाना लेने जाएंगे सामान लेने जाएंगे, तो क्या करेगी, पैसा कोई आएगा लेके और रख लेगी, जब कोई आया ही नहीं, ऐसे बोलती है रूही गाइस। जबकि हम उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, हर चीज़ उसे हम ला के देते हैं। देखो गाइस हम एक चीज़ लेके आए दिखाती हूँ गाइस, देखो ये कितना सुंदर हॉटपॉट लेके आए हम, ये हम घर के लिए लाए, ये घर के लिए लाए गाइस, बताना कैसा है। और देखो गाइस मैंने ना इसको पन्नी उतारी और मैंने खोला, खोलने के बाद फिर मैंने देखा अरे इसके अंदर एक और निकला, मैं खुश हो गई एकदम से। इसमें 3 सेट का लेके आए गाइस, देखो ना। उसके बाद गाइस फिर मैं सोचा रही मम्मी इसके अंदर एक और निकला, फिर देखो गाइस एक और निकल गया, 3 सेट का लाई थी। किसी को चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं लाके दे दूंगी। और देखो फिर गाइस फिर मैं बोली, आरती को बताई नहीं थी इसमें 3 सेट था, मैं देख ली थी, मुझे नहीं पता था। फिर मैं बोली मम्मी इसके अंदर भी होगा, एक देखी तो कुछ भी नहीं था, 3 ही थे, 3 सेट का है गाइस। अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, एक में दाल चावल रोटी सब रख सकते हो इसमें, इसमें चावल इसमें दाल इसमें रोटी। गिलास दिखाओ, गिलास दिखाओ, दिखा, बहुत बढ़िया चीज आ गई ना, तो लाओ जाओ भी तो लेके जा सकते। ये देख ये वाला गिलास अंदर ही होता है, ये होता है क्या, रोटी वाला ना, ये रोटी वाला। अच्छा तो गाइस ये बताना कैसा। और देखो गाइस ये गिलास लाई हूँ मैं, ये गाय लाई हूँ गाइस। हम लोग ना कप वप में हमें पसंद नहीं है, क्योंकि गाइस कप वप ना हड्डियों से बनता है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं हड्डी वाली चीज में चाय पीना। तो गाइस इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का गिलास लिया, क्योंकि हमें कप सच में पसंद नहीं है, जो फैसिलिटी वाले बनते हैं ना। ये देखो पकड़ना,
ये देखो गाइस, ये सिर्फ पानी पानी के लिए है ग्लास है, वो तो अरे चिपका हुआ है ही तो। देखो कितना सुंदर ग्लास है ना, चमक मार रहा है, ये डायमंड चमक। इसमें हम चाय भी पियेंगे, पानी पियेंगे, गेस्ट को भी चाय पिलाएंगे और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप लोग आना, आप लोगों को भी पिलाएंगे। मुझे बहुत, मैंने एक नजर अंदर घुसते ही मैंने बोला मम्मी ये जरूर रख लेना, ये आरती यही सब काम करती है। मुझे ना चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद है। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को गाइस। देखो गाइस, मुझे ना कपड़े या जूते लत्ते का इतना शौक नहीं है, मैं उसमें भी रह सकती हूँ, पर गाइस दुकान में सामान भरा रहे मेरे को बहुत पसंद है एकदम। और मैं एकदम गंदी सी बनी रहा हूँ, क्योंकि भाई जो काम करता है दुकानदार वो हमेशा गंदा ही अच्छा लगता है, जरूरी है कोई साफ सफाई वाला चीज है ना। हाँ, अब हार्डवेयर की दुकान पे चले जाओ, उस इंसान का ऐसा हाल हुआ रहता है, हाथ मुंह नाक सब काला पीला काला पीला। मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान में इतनी सारी कस्टमर आ जाए जो मेरा मुंह काला पीला रहे। नहीं गाइस, पता क्या, आरती ब्यूटिशियन भी है, वैसे ही मेरी बेटी गोरी है, कहाँ काली पीली है, पर आज काली हो गई गाइस, बहुत धूप हो रही थी, बारिश हो रही थी एकदम, ठंड में गोरी हो जाएगी। और क्या करना है गाइस, काम है तो भैया करना ही, बेटी थोड़ी ना, मेरा बेटा है, ये बेटा की तरह, बेटा तो घर पे सो रहा है, माई करे कुटान पिसान, बेटा का नाम दुर्गादास। इसको फ़ोन करके भी बोली कि बेटा आ जा, थके मरे हम आए हैं, थोड़ा चाय वाय पिला दे बेटा बना के, कोई मतलब ही नहीं है गाइस। उसको क्या मतलब है कि मम्मी मरे, बहन मरे, कुछ भी हो, उन लोगों को उल्टा और चिल्ला के करी, मम्मी कैसे आऊँ, पैदल आऊँ क्या, ऐसे और बोल रहा है बदतमीज। ये देखो गाइस मुर्गा, ये मुर्गा नहीं है गाइस, मुर्गा बोले, मुर्गी बोले, टॉयलेट साफ करने वाला ब्रूस है गाइस, और वो बंदा कह रहा है मुर्गा मुर्गा चाहिए क्या आपको, कहाँ रखो मुर्गे को बेटा, मुर्गे को यहाँ रखो, यहाँ सारे रस्सी बांध के मैं इधर कोने बताऊँ, रस्सी बताऊँ, देखो इसमें रस्सी बनते सारे दिख रहे हैं। अरे बाल्टी में बाल्टी, चलो जैसे बाल्टी में रखेगी आरती कोई उठा ले जाएगा, बाल्टी में बांध के रखूंगी ना, जब किसी को चाहिए होगा तो निकाल लेंगे ना, ऐसे सबको बांध एक रस्सी में, ऐसे बांध के और ऐसे बाद में करेंगे काम, तो मिट्टी लग जाएगा बाल्टी का, पुराना सामान लगता है ना गाय, तो कोई लेता नहीं, फिर कहेगा पुराना बेच रही है, और उनको क्या पता गाय जी की कितना रोड का मकान है, धूल मिट्टी इतने दुनिया भर के, पूछो मत गाइस। बहुत लंबी वीडियो बन गई, आप लोग देखोगे नहीं, सारी वीडियो जाके देखो और फटाफट कमेंट करो, और गाइस जो जो चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस एक बात बताऊँ, क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल से हम समझ, यहाँ से दबा दो, नहीं दबा, दब गया बेटा, दब गया, फोटो खींचा है, ये नहीं पता मुझे, चलो चलो कोई नहीं, मैं स्क्रीनशॉट गाइस हमने थंबनेल के लिए लिया है, क्या करें, अलग से फोटो नहीं खींचा सकते ना इसी। तो गाइस आप लोग कमेंट करना फटाफट, मेरी वीडियो को शेयर करना, प्यार करता है मम्मी और मेरे से वो कमेंट करना, जो प्यार पूजा और मोनू से नहीं करता वो नो लिखना, पूजा मोनू नो नहीं बेटा ऐसा, लाली भी नो, लाली की तो पूछो ही मत गाइस। चलो ठीक है, आप लोग वीडियो पूरी वीडियो देखना जाके, और बाकी सारी सारे दुकान के आरती सफाई करके बढ़िया से अच्छे से जचा लेगी सारा सामान, उसके बाद आपको हम फिर वीडियो बना के दिखाएंगे हम, ठीक है ना। अभी गाइस हम सारा सामान को चेकअप कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, इसी के साथ वीडियो कर रहे हैं हमें, बाय बाय।